देखिए दूसरा है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय यानी ब्रॉड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन पोजीशन का मतलब होता है कि द्विध्रुव के अक्ष के ये अक्ष है, ठीक है, इसके बाइसेक्टर यानी इसकी जो लंबवर्धक रेखा है उस रेखा पर कोई बिंदु हो उसे नाम देते हैं निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों के बीच की दूरी क्यू है, ठीक है, ये इसके मध्य बिंदु ओ से ये परपेंडिकुलर रेखा जा रही है, यही निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। इस पर ये बिंदु पी है जहां पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसकी दूरी हमें आर देनी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे अभी किया था, माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता बराबर 1/4πε0 फॉर्मूला हो जाएगा q अपॉन डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस l, ये r, तो ये यहां से यहां की दूरी हो गई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है q बाई r स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ r स्क्वायर l स्क्वायर। दिशा क्योंकि ऋण आवेश है यानी आवेश की ओर, तो p से ठीक, इसी तरह से आइए प्लस क्यू आवेश के कारण ये हो जाएगा ई टू बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन, ये भी डिस्टेंस सेम है यानी यहां पर भी सेम फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दिशा हो जाएगी धन आवेश है यानी बाहर की ओर अर्थात पी से, बल्कि कह लीजिए बी से टी, ठीक। अब इन दोनों का परिणाम निकालना है आपको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि सब भुजाएं बराबर हैं दोनों, ठीक है, तो ये भी थीटा ये भी थीटा, तो हम ई वन और ई टू को यानी इसको और इसको क्या करेंगे, दो परस्पर लंबवत कंपोनेंट्स में घटकों में हम इसको वियोजित करेंगे। तो ई वन का एक घटक इधर की ओर मिलेगा जो कि ई वन साइन थीटा होगा, एक इधर की ओर ई वन कॉस थीटा, इस तरह से E2 का एक घटक इधर की ओर मिलेगा, E2 का एक घटक इधर की ओर E2 cos थीटा, दूसरा ऊपर की ओर जाएगा E2 sin थीटा। अब देखिए E1 और E2 दोनों के परिमाण बराबर हैं, इसका मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर बराबर और विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, यानी परिणामी हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहां पर T पर परिणामी तीव्रता सीधे सीधे हम लिख सकते हैं E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, सॉल्व कर लिया जाए 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू, चलिए एक साथ रख दिया जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों सेम है यानी डायरेक्ट करते हैं हम, तो 1/4πε0 यहाँ हो जाएगा 2 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण यानी एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 और यहाँ पावर 1 यानी ये हो जाएगा 1/4πε0 2 QL, ये हो गया P और नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। अब वही कंडीशन जो वहां लेके चले थे कि यदि एल इज लेस देन आर तो हम क्या करेंगे, एल को नगण्य मान लेंगे आर की तुलना में, और नगण्य मानेंगे तो क्या बचेगा 1/4πε0 ऊपर P यानी वैद्युत द्विध्रुव गुण, नीचे बचा आर स्क्वायर पर पावर 3/2 यानी 2 से 2 कटेगा यानी आ गया आर क्यू। तो ये फॉर्मूला आ गया, तो दोनों में अंतर क्या है, अक्षीय स्थिति में यहाँ पर 2P था और यहाँ पर P है, ठीक। दिशा की बात कीजिए
वहां पर दिशा थी अक्ष के अनुदिश, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यहाँ पर दिशा हो जाएगी अक्ष के समांतर किधर की ओर, इस दिशा में, यानी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर दिशा हो गई अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अक्ष के समांतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा ऋण से धन इधर की ओर जाएगी और इसकी दिशा किधर की ओर है, इधर की ओर है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में और अक्ष के समांतर। ठीक, तो ये दोनों टॉपिक आपको करा दिया है, इसके आगे नेक्स्ट टर्म पर। ठीक है, बाकी दोनों आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए।